नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त सचिन चौधरी। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर आपका ड्रैगन फ्रूट सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि वर्मी कम्पोस्ट बहुत अच्छा होता है ड्रैगन फ्रूट के लिए, बाकी की सभी फसलों के लिए भी अच्छा होता है। तो हम पहले वर्मी कम्पोस्ट लेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट को आप किसी भी प्लास्टिक की सीट पर, छायादार जगह पर कहीं भी इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करना कितना है आपको? 1 किलो पर पोल के हिसाब से, यानी कि अगर आपके 100 पोल हैं तो 1 क्विंटल आप उसको इकट्ठा कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लेंगे ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम। ये क्या है? ये एक फंजीसाइड होता है। ये आपके आसपास कहीं भी अपना जो दुकान होती है उस पर आपको ईजिली मिल जाएगा ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम। तो फिर आप उसके बाद ट्राइकोडर्मा को निकाल कर जो आपने वर्मी कंपोस्ट लिया था उसके ऊपर आप डाल लें। और ट्राइकोडर्मा लेना कितना है आपको? जैसे आपके अगर 100 पोल हैं तो 100 पोल में आपको 2 किलो, यानी कि 2 पैकेट उसको उसके ऊपर डाल लें। तो उसके बाद एक काम और करें, आप आधा किलो गुड़ और आधा किलो पानी या 200 ग्राम पानी, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आपके वर्मी कंपोस्ट में नमी ज़्यादा है तो पानी कम ले लें, और अगर नमी कम है तो पानी थोड़ा सा बढ़ा लें। तो आप आधा किलो गुड़ और आधा किलो या 250 ग्राम पानी, जो आपको ठीक लगे वो लेकर के उसके ऊपर अच्छे से डाल लें और उसको मिक्स कर लें। मिक्स अच्छे से कर लें उसको 2-3-4 बार, जो आपको ठीक लगे अच्छे से उसको मिक्स कर लें। जब लगे कि वो अच्छे से मिक्स हो गया, मिक्स हो जाने के बाद उसको एक बेड रूप में बिछा दें, उसकी एक लेयर सी बना करके बिछा दें, और जो डलियां उसमें आए उनको फोड़ दें अच्छे से, और फिर इसको ऐसे ही 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। फिर 1 हफ्ते बाद जब आपको वो खाद लगाना हो, तो अपने ड्रैगन फ्रूट के चारों तरफ जहाँ तक उसकी जड़ें ना हो उससे दूर आप उसकी खुदाई करा लें। ध्यान रखें कि उसकी जड़ ना कटे। एक नाली नुमा प्लांट के चारों तरफ बना लें, और जो आपने जो मिश्रण तैयार किया था उसको आप इसमें डालकर ऊपर से मिट्टी से उसको ढक दे। तो उससे क्या होगा, जैसे आपका ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट है उसकी जो जड़ों को जो खुराक मिलेगी तो वो इसकी तरफ भागेगा और उसकी जड़ ज़्यादा दूरी तक फैल जाएगी। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा दूरी तक जड़ जाने से उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और फंगस से भी बचाव करेगा। तो उसको मिट्टी से ढकने के बाद आप उसको पानी दे दें, और फिर 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।